ये नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार इसी को पूछते हैं, ठीक है। टू एंड ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है हम लोगों के पास जिसकी लेंथ प्यारे बच्चों एल है, कैपिटल एल, बहुत बढ़िया बात। ये यूनिफॉर्म एरिया आप क्रॉस सेक्शन के कैप्ट टू इंड ऑफ टेम्परेचर, दो इंड ऑफ टेम्परेचर टी वन और टी टू पर रख दिया, टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किधर से आई किधर गई हीट, ठीक है, ये तो पता चलना चाहिए ना भाई किधर से आ रही है किधर से जा रही है हीट। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डी क्यू अपॉन डी टी द रॉड इन स्टडी स्टेट, ठीक है। जब आप थर्मल कंडक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़े तो दो स्टेट आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया गया होगा, एक होता है स्टडी स्टेट, एक होता है वेरिएबल स्टेट, ठीक है। इनके अलग अलग इक्वेशंस लगते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो स्टडी स्टेट है उसका इक्वेशन इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो जो स्टडी स्टेट क्या होता है, स्टडी स्टेट अगर कोई कंडक्टर है, अब मैं दो हीट के सोर्स के बीच रखता हूँ, ये थीटा वन है थीटा टू है, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, एक्चुअली यहाँ टी वन टी टू दिया है, तो चलो कोई ना इसकी ही इच्छा पूरी ही कर देते हैं हम लोग को, इसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा लगने के लिए मैं टेम्परेचर टी वन और टी टू ही ले लेता हूँ, टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, इधर से हीट जाएगी और इधर को जाएगी, इसकी लेंथ कैपिटल एल है, तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू ए डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द टू सरफेस विच आर एट अ डिस्टेंस डी एक्स। दो छोटे छोटे सरफेस हैं, ठीक है, वो डी एक्स डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच का टेम्परेचर डी थीटा है, ठीक है। ये जब मैं लिखता हूँ तो ये मैं लिखता हूँ वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट क्या होता है कंडक्टर का, वह स्टेट जब टेम्परेचर किसी भी पॉइंट का वेरी करता है, किसी भी पॉइंट का वेरी करता है। स्टडी स्टेट वह स्टेट होता है जब किसी भी पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सेम नहीं, हर पॉइंट का सेम नहीं, हमेशा इधर से इधर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा ही, टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। हॉट, इसको बोलते हैं हॉट, हॉट, और इसको बोलते हैं कोल्ड। हॉट मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और कोल्ड मतलब कम है, ठीक है। तो ए, तो हॉट से कोल्ड हमेशा जाओगे तो हमेशा टेम्परेचर गिरेगा, हमेशा टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। ये होता है बेटा वेरिएबल स्टेट। स्टडी स्टेट के लिए जब ये लिखा जाता है तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए के ए और टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ एल, यही है, ठीक है, के ए टी वन माइनस टी टू। ये तो आसान था, ठीक है, बट यह कि इन्फॉर्मेशन दे गया, स्टडी और वेरिएबल आपको समझा गया, ठीक है, चलो।